चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संसद का शीतकालीन सत्र। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। संसद के सत्र के बारे में बात करेंगे, संसद सत्र पर संवैधानिक प्रावधान क्या है और सत्र में अभी तक कितने और कैसे विलंब हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, संसद के सत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास रहती है। कथन दो, यह निर्णय संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। कथन तीन, संसद एक वर्ष में दो सत्रों के लिए बैठक करती है। उपरोक्त में सत्य कथन है। विकल्प ए, एक और दो। विकल्प बी, दो और तीन। विकल्प सी, एक और तीन। विकल्प डी, एक दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक सुने। यह चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना महामारी के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन इसे लेकर विवाद हो गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों के नेता शीतकालीन सत्र को रद्द किए जाने के पक्ष में हैं और अब जनवरी 2021 में सीधे बजट सत्र होगा। विपक्ष की तरफ से नए कृषि कानूनों को लेकर संसद का सत्र बुलाने की मांग की गई थी। इससे पहले सितंबर में संसद का मानसून सत्र बुलाया गया था। अब बात करते हैं संसद के सत्र के बारे में। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास रहती है। यह निर्णय संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें वर्तमान में रक्षा, गृह, वित्त और कानून सहित 9 मंत्री शामिल हैं। समिति के निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिनके नाम पर सांसदों को एक सत्र के लिए मिलने के लिए बुलाया जाता है। भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। सम्मेलन द्वारा संसद एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए बैठक करती है। बजट सत्र सबसे लंबा जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त होता है। सत्र में एक अवकाश भी है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सके। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। संसदीय वर्ष 3 सप्ताह के शीतकालीन सत्र के साथ समाप्त होता है, जो नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। लोकसभा की सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा 1955 में बैठक की एक सामान्य योजना की सिफारिश की गई थी। इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। संसद सत्र पर संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं? संसद का सम्मन संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। कई अन्य लेखों की तरह यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक प्रावधान पर आधारित है। इस प्रावधान ने निर्दिष्ट किया कि केंद्रीय विधायिका को वर्ष में कम से कम एक बार मिलने के लिए बुलाया जाना था। भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। सत्र में अभी तक के विलंब के बारे में बात करेंगे। वर्षों से केंद्र सरकारों ने राजनीतिक और विधायी परिश्रम को समायोजित करने के लिए सत्रों की तारीखों में बदलाव किए हैं। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के कारण शीतकालीन सत्र में देरी हुई। 2011 में राजनीतिक दलों ने बजट सत्र में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि वे 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सके। सरकार को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देने के लिए सत्रों में कटौती की गई है। 2008 में 2 दिवसीय मानसून सत्र को दिसंबर तक बढ़ाया गया था, जिसमें भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर
यूपीआई वन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।